दहेज के लिए 10 लाख रुपए की मांग से परेशान होकर आखिरकार पीड़ित पत्नी ने अपने पति, उसकी बहन और दामाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पीड़िता ने बताया है कि ससुराल वाले आए दिन दहेज को लेकर उसे परेशान कर रहे थे। इंदौर की महिला थाना पुलिस ने एक इंजीनियर पति के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत पर दहेज मांगने का केस दर्ज किया है। पत्नी ने पुलिस में एक शिकायती आवेदन दिया था कि उसके ससुराल वाले 10 लाख रुपए की मांग करते हैं, जिसमें पति, उसकी बहन और उसका दामाद शामिल है। बहन अपनी भाभी से अपने भाई के लिए नए बिजनेस को शुरू करने के लिए 10 लाख की मांग कर रही थी। जब इन दहेज लोभियों की प्रताड़ना ज्यादा बढ़ती चली गई तो पत्नी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ दहेज प्रताड़नाओं की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एक महिला जो कुछ समय पहले थाने पर उपस्थित हुई थी, एक शिकायती आवेदन उसने दिया था अपने पति ननन नंदेव के खिलाफ। उसकी काउंसलिंग 2-3 बार कराई गई, महिला उससे संतुष्ट नहीं है। महिला FIR कराना चाहती थी, जिस पर से आज दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत उसका मामला दर्ज करा गया है। कितने की दहेज की मांग की गई थी, कितने लोगों का महिला के पति नना नंदेव द्वारा आए दिन उससे मांग 10 लाख रुपए की मांग की जाती थी। कहा जाता था कि तू 10 लाख रुपए अपने मायके से लेकर आ, जिससे कि तेरे पति को ननन द्वारा कहा जाता था कि तेरे पति को हम कुछ बिजनेस खुलाना चाहते हैं, इसलिए तू 10 लाख रुपए अपने माता पिता से लेकर आ। क्या करता पति? पति उसका कुछ प्राइवेट काम करता।